विच शेप मेक अप दिस एरो? ये एरो कौन कौन से शेप से बना है? ए ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, बी सर्कल ओवल, सी रेक्टेंगल सर्कल एंड डी ओवल ट्रायंगल। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि किस शेप से ये बना है। ये हम रेड लाइन ले ले रहे हैं, इसको अगर हम इस तरह ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा देखिए ये हो जा रहा है ट्रायंगल और ये हो जा रहा है रेक्टेंगल। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन ए। देखिए इसका आंसर भी हमारा हो जा रहा है ऑप्शन ए ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास फर्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप एंड सॉलिड चैप्टर से इसकी थ्योरी एंड इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं ये हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमने पैटर्न चैप्टर्स के भी टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन करके बताया है कि किस तरह के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न चैप्टर्स में किस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल शेप एंड सॉलिड में सब टॉपिक्स हमारा रहेगा ज्योमेट्रिक शेप, 3D शेप ऑन ज्योमेट्रिक सॉलिड, शॉर्ट क्वेश्चन एंड ज्योमेट्रिक शेप एंड सॉलिड, इन तीनों सब टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिक शेप क्या है। फिगर और एरिया इनक्लोज द बाउंड्री फॉर्म बाय द कंबाइनिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कर्व पॉइंट लाइन्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक शेप। इट इज टू डायमेंशनल फ्लैट फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर्स वो कहलाता है, ज्योमेट्रिकल शेप वो शेप होते हैं जो पूरा बाउंड्री हो और क्लोज शेप हो, जो कर्व पॉइंट और लाइन से मिलकर बना हुआ एक ने कर्व पॉइंट्स और लाइन से मिलाकर एक शेप बनता हो जिसे हम ज्योमेट्रिकल शेप कहते हैं। इसे टू डायमेंशनल फ्लैट फिगर भी कहा जाता है, फ्लैट रहता है इसलिए इसे टू डायमेंशनल फिगर भी कहा जाता है। चलिए इसमें हम समझ लेते हैं, ये हमारा स्क्वायर हो गया जिसमें फोर साइड्स हैं, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, सर्कल, सर्कल में कोई भी साइड्स नहीं होते हैं, क्यूब, हेक्सागोन, पेंटागोन। देखिए हेक्सागोन में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 साइड्स हो गए। उसी प्रकार पेंटागोन में 5 साइड्स हो गए, स्टार एंड क्यूबिट। इसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस भी रिलेटेड आते हैं कि कितने कौन से शेप में कितने साइड्स होते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हर कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पहले समझेंगे फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा लाइंस। अ लाइन इज ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप दैट कैन गो ऑन फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। लाइंस एक स्ट्रेट वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप कहलाता है जो जिसके दो डायरेक्शन होते हैं, देखिए एक इधर और एक इधर, दो डायरेक्शन हमेशा रहते हैं। अब लाइंस हमारे तीन तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन और वर्टिकल लाइन। तीन तरह के लाइंस होते हैं। स्ट्रेट लाइन, एनी लाइन विदाउट एनी कर्व्स इज सेड टू द स्ट्रेट, इट कैन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। स्ट्रेट लाइंस में थ्री कैटेगरी होते हैं, स्लैंटिंग लाइंस, स्ट्रेट लाइन डैट लेंथ और स्लैंट इन डिफरेंट डायरेक्शन नोन एज स्लैंटिंग लाइन, इट अपीयर्स टू बी अ स्लैब। स्लैंटिंग लाइन जिसमें दो प्रकार के कर्व्स होते हैं, जैसे देखिए किसी भी डायरेक्शन में अगर लाइन स्लैंट किया गया है तो ये हमारा स्लैंटिंग लाइन हो जाता है, जैसे ए से बी एंड सी डी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेट लाइन के टाइप्स होते हैं, वर्टिकल लाइन। इट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट द बॉटम टू द टॉप। ऐसी स्ट्रेट लाइन जो बॉटम से टॉप या टॉप को बॉटम से कनेक्ट करती है वो हमारी वर्टिकल लाइन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है हॉरिजेंटल लाइन। इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ये भी स्ट्रेट लाइन कहलाती है, दैट मूव्स बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन, जो दोनों तरफ से राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन को बताता है।
इस प्रकार बच्चों हमने जाना कि स्ट्रेट लाइन में 3 लाइंस होते हैं, स्लैंटिंग लाइन, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजेंटल लाइन। चलिए अब आगे हम देखते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द फिगर बाय यूजिंग सम प्रीफिक्स सच एज। सम प्रीफिक्स सच एज का मतलब ये होता है जो किसी वर्ड के आगे लगा के बनाया गया, प्रीफिक्स यानी वर्ड से पहले, जैसे ट्राई, ट्राइंगल, ट्राई से ट्राइंगल हो जाता है जिसमें ट्राई लिखा हुआ यानी थ्री, यानी फोर साइड्स होंगे उस शेप में, फोर थ्री साइड्स होंगे, ट्राइंगल थ्री यानी थ्री साइड। उसी प्रकार क्वाड मीन्स फोर, इससे हमारा शेप बनता है क्वाड्रिलैटरल। पेंटा, पेंटागो, ठीक है, पेंटा मीन्स फाइव, क्वाड मीन्स फोर, इसको हमको ध्यान रखना है। ट्राई जहाँ लिखा हुआ मतलब थ्री, क्वाड मीन्स फोर, पेंटा मीन्स फाइव, हेक्सा मीन्स सिक्स, हेप्टा मीन्स सेवन एंड ऑक्टा मीन्स एट एंड लॉट ऑफ मोर, इसी प्रकार बहुत सारे हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं, विच फिगर शो एन ऑक्टागोन, इसमें से हमें यह बताना है कि कौन सा फिगर जो है ऑक्टागोन है, ए बी सी एंड डी, ये चार शेप हैं। चलिए इसको हम एक जगह पर देख लेते हैं, पेज को हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, और एक जगह पर ये चार शेप हम देख लेते हैं। ये चार शेप्स हैं, वन टू थ्री, इसमें से कौन सा ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन के लिए जिसने एट साइड हो, तो देखिए इसको हम इस तरह काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट, तो ये ऑप्शन डी जो है हमारा, ये ऑक्टागन है। तो चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं, दिस इज द ऑप्शन डी इज द ऑक्टागन, द पॉलीगॉन मेड ऑफ द एट लाइन सेगमेंट इज नोन आर ऑक्टागन। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्वेश्चंस हम देखते हैं। 3D शेप और ज्योमेट्रिकल सॉलिड, वो हमने 2D शेप देखा था, अब ये 3D शेप है। 3D शेप में कौन कौन से शेप आते हैं, चलिए देखते हैं। ज्योमेट्रिकल सॉलिड ऑल्सो नोन एज 3D शेप और अ 3D ऑब्जेक्ट इज द मैथमेटिकल शेप दैट हैज 3 डायमेंशनल लेंथ विड्थ एंड हाइट, जिसमें जिस शेप में हमारा 3 डायमेंशन हो, जैसे लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज जो होते हैं वो हमारे 3D शेप कहलाते हैं या 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दिस शेप आर नॉट ए फ्लैट लाइक 2D शेप, ये फ्लैट नहीं होते हैं लाइक 2D शेप के जैसे नहीं होते, विच हैव ओनली लेंथ एंड विड्थ, जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ दिखता है, जबकि 3D शेप में हमारा क्या हो रहा है, हाइट भी दिखता है, लेंथ विड्थ और हाइट, 2D एंड 3D शेप में यही अंतर होता है। अच्छे से हम समझ लेंगे, 2D शेप में सिर्फ हमें लेंथ और विड्थ शो होता है, जबकि 3D शेप में हमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों शो होता है। 2D शेप को इसीलिए हम फ्लैट कहते हैं क्योंकि लेंथ और विड्थ ही सिर्फ शो होता है, बट इंस्टेड हैव डेप्थ एंड थिकनेस विच मेक देम लुक लाइक रियल ऑब्जेक्ट यू कैन टच एंड होल्ड, लेकिन इंस्टेड हैव डेप्थ एंड थिकनेस भी इसका दिखता है, जैसे कि जस्ट लाइक हमने हाथ में से होल्ड किया वो, उस तरह का 3D शेप हमें दिखता है, इसमें हमें उसके थिकनेस एंड डेप्थ भी साथ में दिखते हैं। चलिए इसके शेप्स हम देख लेते हैं, कौन कौन से शेप्स हैं, दिस इज क्यूब, कोन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्यूबिड, सिलेंडर एंड स्क्वायर पिरामिड। इन टर्म्स ऑफ देयर 3 डायमेंशन लेंथ विड्थ एंड हाइट दे मेयरली सॉलिड डायमेंशन इज द मीनिंग ऑफ द लेटर डी इन 3D शेप। द प्राइमरी 3 डायमेंशनल शेप दैट सराउंड अस आर क्यूब्स, क्यूबिड, कोन्स, स्पेयर एंड सिलेंडर। इसमें हम समझ लेते हैं कि कौन सा क्या शेप ये कहला रहा है। चलिए सबसे पहले प्राइमरी 3 डायमेंशनल शेप सराउंड आवर हमारे आसपास रहता है, जैसे ये हमारा हो जाता है क्यूब, ये हमारा क्यूबिट, ये कोन कहलाता है और ये सिलेंडर शेप होता है, जो इस तरह के शेप में हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं,
अब इस एग्जांपल में हमें बताना है, क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर आर प्रेजेंट इन फिगर गिवन बिलो। इस फिगर में कितने रेक्टेंगुलर हैं? तो चलिए सबसे पहले हम काउंट करते हैं। ये पूरा ये वाला जो हमारा एक रेक्टेंगुलर ये हो गया, देखिए ये एक रेक्टेंगुलर ये हो गया वन, फिर दूसरा रेक्टेंगुलर ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ठीक है। और फिर हम ये ले लेते हैं ब्लैक कलर, फोर हो गया। और फिर ये हो गया हमारा फाइव, एंड ये हमारा हो गया सिक्स। तो हमारे सिक्स सेफ हो रहे हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस आ रहा है। ऑप्शन ए टू, बी थ्री, सी फोर एंड डी सिक्स। तो हमारा आंसर क्या हो रहा था? ऑप्शन डी सिक्स। वी कैन काउंट देयर आर सिक्स रेक्टेंगुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ज्योमेट्रिकल शेप। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरह से 2D शेप एंड 3D शेप को समझ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमें देखना है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कौन सा है? ए, बी, सी एंड डी। हमने अभी पीछे कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि हॉरिजेंटल लाइन वो होता है जिसमें कि हमें लेफ्ट एंड राइट शो हो। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है यहाँ पर? ऑप्शन बी, जिसमें हमें लेफ्ट और राइट शो हो रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। बी इज द, इट इज ए स्ट्रेट लाइन डेट मूव्स बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन, जिसमें लाइट और लेफ्ट एंड राइट हैंडेड डायरेक्शन शो हो, वो हमारा हॉरिजेंटल लाइन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इन दिस, इसमें कौन सा शेप शो हो रहा है? तो चलिए इस तरह के शेप हमने देख लिए थे, ए स्पेयर, बी सिलेंडर, सी कोन एंड डी क्यूब। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, दिस इज ऑप्शन सी, कोन। सी कोन द शेप इज द गिवन इमेज इज कोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन फ्लोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में कितने साइड्स हैं? तो अभी हमने पीछे देखा था कि साइड्स हम कैसे काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो यहाँ पे फाइव साइड्स हो रहे हैं, सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, इसको हम ये भी जान लेंगे, द गिवन डायग्राम इज द पेंटागोन, फाइव साइड्स हैं, जिसको हमें जिसे हम पेंटागोन कहते हैं, इट हैज फाइव साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा अलग शेप है? देखिए ए सर्कल, बी रेक्टेंगल, सी ट्रायंगल एंड डी ये आपका हो रहा है क्यूब। तो ये ए बी सी जो है हमारा 2D शेप है, जबकि डी जो है हमारा 3D शेप है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम समझ लेते हैं। ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हैज द क्यूब विच इज द 3D शेप एंड द रेस्ट द सर्कल रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल आर द 2D शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ मेनी सर्कल आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कितने सर्कल हैं? तो चलिए हम काउंट करते हैं, इस फिगर में कितने सर्कल हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन। तो इस फिगर में 13 सर्कल हैं। चलिए यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, 13 ऑप्शंस जो है ऑप्शंस सी में है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
The given image has 13 circle. Next question number 6. The classroom board shown in the figure is used to teacher to row the shape of the board. क्लासरूम में जो बोर्ड होता है जिस पर टीचर्स लिखते हैं उस बोर्ड का शेप क्या होता है, ए ट्रायंगुलर, बी रेक्टेंगुलर, सी स्टार या डी डायमंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर। दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द फिगर मेड बाय हाउ मेनी रेक्टेंगल, ये कितने रेक्टेंगल से ये फिगर बना हुआ है। तो चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बड़ा वाला रेक्टेंगुलर है ये 7। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बीच शेप मेक अप दिस एरो, जो अभी हमने इसको कर चुके थे, ये ट्रायंगल एंड रेक्टेंगुलर, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता हमारा ट्रायंगल और ये हो जाता है रेक्टेंगल। तो ये शेप जो हमारा बना हुआ है ऑप्शन ए ट्रायंगल एंड रेक्टेंगुलर शेप से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which shape is not present in given figure? इस शेप में कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, पहला रेक्टेंगल, बी स्क्वायर, सी ट्रायंगल एंड डी सर्कल। तो चलिए यहाँ पर ये डी सर्कल यहाँ दिख रहा है, इस रेक्टेंगुलर जो है ये हमारा शेप रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगल जो है ये शेप हमारा ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर शेप यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, और स्क्वायर शेप जो है हमारा इस प्रकार होता है जिसकी 4 साइड्स होती है और चारों साइड्स इक्वल होती है, दिस इज अ स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर शेप शो नहीं हो रहा है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेम द शेप ऑफ द ब्लू कलर फेस, यहाँ ये ब्लू कलर दिया गया है, इसमें हमें बताना है इसका नेम क्या है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल। तो दिस इज अ शेप हमारा जो है रेक्टेंगुलर है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।